राजस्थान वीरों की भूमि रही है और वीर भूमि के साथ साथ यहाँ की कला और संस्कृति बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। लेकिन आजकल पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी ये संस्कृति कम होती जा रही है, लोग अपना आचरण खोते जा रहे हैं और पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। लेकिन इस हमारी भारतीय संस्कृति को, राजस्थान की संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं। हमारे जैसलमेर के एक शिक्षक जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, इनका कार्य दुनिया के लोग देखने आते हैं और आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। ये हैं जन जन के प्रिय, जन जन के नायक, हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार नंद किशोर शर्मा जी। शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं जैसलमेर के उस समय से कि जब जैसलमेर में बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थीं। तो शर्मा जी, वो क्या स्थिति थी जैसलमेर की जब यहाँ पर कहते हैं कि एक वीरान प्रदेश हुआ करता था, थोड़ा वहाँ से शुरुआत करके हम और आज का आपका सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो शुरुआत वहीं से करते हैं, बताइए थोड़ा। सबसे पहले मैं इस एपिसोड को देखने वाले भारत के नहीं सारे विश्व के दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और यहाँ का इतिहास, कला और संस्कृति का जो मैंने अपनी तपस्या से 60 वर्ष से कार्य किया है वो सारी आपके सामने क्रमवार बताकर आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा है, मैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हूं, इसी नगरी का मैं रहने वाला वरिष्ठ नागरिक हूं। जितना इतिहास यहाँ के जैसलमेर के संस्थापकों का है उतना ही इतिहास बड़ा मेरे पूर्वजों का है। जैसलमेर की स्थापना के साथ साथ हमारे पूर्वज लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पुजारी हैं, वो लगातार यहाँ 800 वर्षों से 900 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और ये उनके साथ जैसलमेर में तलंगोट और देरावल आदि क्षेत्र से आया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म सूर्यकांत मणि, जिसको सोने का पत्थर कहते हैं, जिसके कारण से लोग उसको गोल्डन सिटी कहते हैं, जिसके कारण से उसको स्वर्णनगरी कहते हैं, उस धरती में मेरा जन्म हुआ। ये धरती का कितना महत्व है, ये सारी विश्व की संस्कृतियों का संगम है, क्योंकि पश्चिम और पूर्व को जोड़ने वाले सारे काफिले आने और जाने वाले इधर से जैसलमेर से होकर जाते थे और वो पश्चिमी क्षेत्र में जाने वाले लोग यहाँ से होकर के निकलते थे। इसलिए कर्नल टॉर जैसे ने लिखा है कि जैसलमेर दो कड़ियों को जोड़ने वाला एक मुख्य द्वार रहा है, यहाँ के शासकों को इसी कारण से उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से पुकारा जाता था, जिसका मतलब होता है पश्चिम उत्तर के दरवाजे। जब भी पहले बाहरी आक्रमण हुए उनका सबसे पहले मुकाबला उनको करना पड़ता था, इसलिए यहाँ पर सारी विश्व की पश्चिम और पूर्व के देशों का संगम है ये। और ये संगम इतिहास का वो बताता है क्योंकि मेरे को राजतंत्र के बाद स्वतंत्रता संग्राम की कड़ियाँ और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद जो हमारी कठिन परिस्थितियाँ रही वो बड़ी दर्दनाक थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणाक थी। राजाओं का समय कैसा था और देश आज़ाद होने के बाद कैसा रहा, भूख मरी थी, प्यास, लोग मरते थे, पानी 20-20 किलोमीटर से लाते थे, लोगों के पास किसी प्रकार का आय का साधन नहीं था। क्यों साधन नहीं था, क्योंकि इसके दो तीन कारण रहे हैं कि जैसलमेर देश आज़ाद होने के बाद भी दुनिया से पिछड़ा रहा। जब देश का आज़ाद हुआ था उस समय हमारे उससे पहले ये सिंध का क्षेत्र खुला था, तो सारे जितने एक सुई से लगाकर ढाल तक और गेहूँ से लगाकर चावल दाल सारा सिंध से आता था। जब देश आज़ाद हो गया तो मरुस्थल की एक रेखा बन गई और उस रेखा के अंदर उस पार का सिंध क्षेत्र जो पाकिस्तान कहलाने लग गया और इधर का खेत हिंदुस्तान कहलाने लगा, और उस हिंदुस्तान की आज़ादी जब 1947 को अंबार को मिली तो उस समय कितने शरणार्थी यहाँ से निकले थे, उस सीमाओं को थे, किसी की आँख से खून बह रहा था, किसी की स्त्री की अस्मत लुटी हुई थी, कोई बच्चा भूखा और प्यासा तड़प रहा था। हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने मौन मूक बलिदान दिया है, वो दृश्य आज भी मेरे सामने आंखों के सामने घूम रहा है। बिल्कुल शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और उस जो पीड़ा आपके मन में थी बाहर आई
और उसको सोच करके सच में हमारे दर्शक भी थोड़े से दुखी हो रहे होंगे कि इसके लिए आपने कितना संघर्ष किया है। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे विभीषिका थी विभाजन की, वो आपने आँखों से देखी है, तो उसके बारे में बताइए। जैसलमेर के जो, क्योंकि सीमा लगती है पाकिस्तान से, तो यहाँ से होकर बहुत सारे शरणार्थियों का आना जाना रहा, उस समय जैसलमेर की क्या स्थिति रही, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। जैसलमेर का इतना ऐतिहासिक व्यापारिक राजकीय महत्व था, इसलिए अंग्रेज़ों ने जब देश को आज़ाद किया तो उस समय उन्होंने एक अपनी कुटिल नीति को चलाया। उन्होंने कहा कि जितनी भी भारत में 562 रियासतें हैं वो स्वतंत्र घोषित कर दी, और उनको ये भी अधिकार दे दिए चाहे तो आप हिंदुस्तान में मिलो और चाहे पाकिस्तान में मिलो। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो जिन्ना था, वह जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के मारवाड़ क्षेत्र पर और उसकी सीमा पर उसकी नज़र थी, किसी भी तरह प्रलोभन दे करके राजाओं को अपने साथ इस क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। इसलिए यहाँ का जैसलमेर के जो सलावटे थे, उनका एक विदेश मंत्री था, उस अल्लाह रखा खां को यहाँ पर भेजा और उसने राजाओं से बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद में जो है वहाँ पर दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के राजाओं को शामिल किया गया, और उस समय वीपी मेनन का ने अपने इतिहास में उसको लिखा है, और उस समय हमारे जैसलमेर के राजा ज्वार सिंह जी थे, और ज्वार सिंह जी के युवराज गर्दर सिंह जी थे, और उनको वहाँ पर दिल्ली में बुलाया गया, और उसने सफ़ेद कागज़ जिन्ना साहब ने राजाओं के साथ मारवाड़ के राजाओं के सामने रख दिया कि आप जो भी इस पर दस्तखत कर रहे, खाली कागज़ पर दस्तखत कर दिया कि जो भी आपकी शर्तें हैं वो उसमें हम मान लेंगे, आप इसको दस्तखत कर दो। उसने उस समय हमारे जैसलमेर में ऐसी घटना जो घटी थी कि उन्होंने महात्मा गांधी के अखबारों में समाचार सुने थे, रेडियो में सुने थे कि महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली चढ़ा दी, तो उसके बाद में यहाँ के लोगों का पाकिस्तान के प्रति मोह भंग हो गया था, और इसलिए उन्होंने जब कागज़ में रखा तो उन्होंने एक शर्त रखी सामने कि हमारी एक शर्त है, यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है तो हम भारत का सहयोग देंगे, पाकिस्तान का नहीं लेंगे। इसलिए जिन्ना उस पर नाराज हो गया और उसने उस कागज़ को खींच लिया और कागज़ फाड़ करके फाउंटेन पेन वापस रख दिया। तो वो समय बड़ा दर्दनाक समय था, जिस समय न बिजली थी, न पानी थी, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था, न संचार थी, न शिक्षा थी, एकमात्र तालाब बड़ीसर पानी का पीने का साधन था। जब यहाँ से पानी ख़त्म हो जाता था तो मैं अपनी माँ के साथ 5 किलोमीटर दूर से पानी लाता था। वो समय था जब हम आपको दूध और लोटा दे सकते थे लेकिन पानी का नहीं दे सकते थे। इसीलिए रंगलेरा जैसे कवि ने कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब देखो जैसाण। यदि आपको जैसलमेर की यात्रा करनी है तो आपका घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, शरीर पत्थर का होना चाहिए और उस पर वस्त्र लोहे के होने चाहिए, तब आप जैसलमेर की यात्रा कर सकते हो। उतना भयंकर कठिन समय था। उस कठिन समय के अंदर सड़कों और शिक्षा के अभाव के बाद 1965 में जब इंडो पाक वार फर्स्ट हुआ तो हमारे सीमांत क्षेत्र में जो सिपाही वहाँ पर चौकियों पर थे उनके पास कोई हथियार ही नहीं थे। तनोट को छोड़ करके उनके ऊपर सारा पाक मुजाहिद आकर के बैठ गए, क्योंकि कोई साधन नहीं था। और जैसलमेर में भी लोग जब हवाई अड्डे के लिए हवाई जहाज का हमला होता तो जो ना कोई सायरन था, ना वायरलेस टाइप था, पुलिस के पास वायरलेस होता था, इसलिए विजय वर्मा साहब कलेक्टर थे यहाँ पर, उन्होंने एक बड़ा ढोल रखाया था ऊपर, जैसे ही उसकी हवाई जहाज की सूचना मिलती ढोल बजाया जाता और हम लोग उसके अंदर नीचे घुस जाते थे। उसके बाद भारत सरकार का, इंदिरा गांधी का अन्न गंगा 1968 के बाद जब ताशकंद का हमारे यहाँ पर 1965 में समझौता हुआ था और उस समय हमको वापस चौकियाँ मिली थी, उसके बाद वो जैसलमेर में आए, भारत सरकार का ध्यान इसकी ओर गया और उन्होंने सुंदर शहर को देखा और यहाँ की उजड़ी हुई स्थिति को देखा, और यहाँ बाद में इन्होंने बिजली, पानी, सड़क, हवाई अड्डा, सारी चीज़ों की उन्होंने पूर्ण रूप से व्यवस्था की, और इस कारण से उसका फ़ायदा हमको मिला 1971 में, 1971 में जब 1971 में लोंगेवाड़ा का हार हुआ तो हमारी सेना के लोगों ने, हमारे वीरों ने टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया और विदेशी फौजों को पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर घुसेड़ दिया। उसके बाद जैसलमेर
टूरिज्म में विश्व के रूप में इस तरह उभरा कि सारे संसार के लोग यहाँ पर आने लगे। मैं एक साधारण टीचर था, हाई स्कूल में था, तो सरकार मेरे को गाइड के रूप में भेजती थी, तो गाइड में रूप में भेजती थी तो लोग वहाँ पर पूछते, शर्मा जी, लता मंगेशकर, सत्यजीत रे, नीलम संजीवा रेड्डी, वेंकट रमन, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भाई मोदी, सबके साथ मेरे को रहने का सौभाग्य मिला है। और लोगों का जो देश विदेश के लोग आते थे, जो दक्षिण भारत के या विदेशों में आते थे, वो शहर को अभिभूत दे करके एक कहते प्रश्न उनका होता था कि मिस्टर शर्मा, सिटी इट्स सेल्फ म्यूजियम, एवरीवेयर ब्यूटीफुल बालकोनीज, हवेलीज, टेम्पल्स, रिजर्वेयर, बट व्हाट इज द इकोनॉमिक सोर्स ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर का आर्थिक स्रोत क्या रहा होगा जो इतना सुंदर शहर नगर बसा है, चारों तरफ कला संस्कृति है लेकिन उजड़ा हुआ है। तो हम उनको बताना पड़ता था कि मुगल काल में जैसलमेर एक सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, तो अफगानिस्तान से कोंकण तक, सिंध से उत्तराखंड तक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ से उन्हें इसके कारण से यहाँ पर कई आर्टिस्ट आए, कई व्यापारी आए, कई मारवाड़ी लोग आए और उन्होंने उस शहर को बहुत सुंदर सजाया। और यहाँ का पत्थर सोने का था, यहाँ की सूचकन की कार्विंग थी, इसलिए लोगों ने कहा गोल्डन सिटी। ये अंग्रेजी काल तक तो ये क्षेत्र विकसित रहा, लेकिन अंग्रेजी काल में जब बम्बई का बंदरगाह बन गया, कांडला का बन गया, विशाखापट्टनम बना गया, कराची का बन गया, चेन्नई का बन गया, तो सारा व्यापार समुद्र से होने लग गया। तो जैसलमेर का जितना भी व्यापार था वो सारा समाप्त हो गया। तो जितने भी यहाँ के व्यापारी, बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे, जैन, महेश्वरी, स्वार, दो लोग मारवाड़ी, सारे बड़े बड़े राज्यों में चले गए, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, आंध्रा, और वहाँ जाकर अपना व्यापार करने लगे। लेकिन लोगों के घरों में, जैसलमेर की जनसंख्या 7,000 हो गई, लोगों के घरों में बहुत सारी अमूल्य चीज़ें थी, हाथी दांत के खिलौने, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड की क्लॉथ, और लोग उसकी कीमत नहीं जानते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह फॉरेनर्स को बेचने लग गए और कई लोग पेपर मेसी बनाने लगे, कई लोग लकड़ियों को जलाने लग गए। लोग उसके महत्व को नहीं समझते थे कि हमारी विरासत कितनी महत्वपूर्ण है, कितना हमारे ये पूर्वजों की धरोहर है, इसका संरक्षण होना चाहिए। तो लोग बाहर के आते जो कहते, मिस्टर शर्मा, यू मस्ट प्रिजर्व दिस रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। पर मैं एक साधारण अध्यापक था, मेरी सैलरी केवल 100 रुपये थी, मैं कैसे कर सकता था। लेकिन परमपिता परमेश्वर मेरे को निमित्त बना करके मेरे हाथ से बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहता था। जैसे टूरिज्म डेवलप हुआ, मैंने एक पुस्तक लिखी, जैसलमेर द गोल्डन सिटी, उसकी ट्रांसलेशन में मेरे शिक्षकों ने, प्रोफेसर ने मेरे को सहयोग दिया। उसके बाद विदेशियों को बहुत कुछ पसंद आई और उन्होंने जर्मन में, फ्रेंच में, स्पैनिश में, इटाली में ट्रांसलेशन कर दिया, और मैं अपने झेले में लेकर के जहाँ उनके ग्रुप आते वहाँ उनको बेचने के लिए जाता। उनके गाइड का, टिप का जो भी पैसा मेरे को मिला, उससे मैंने बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों का संग्रह किया, बड़े बड़े संगीत के वाद्यों को इकट्ठा किया, लोकगीतों को इकट्ठा किया, यहाँ के शिलालेखों को इकट्ठा किया, यहाँ की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, यहाँ के चित्रों को इकट्ठा किया, और यहाँ की वो बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासतों का इकट्ठा किया, सिक्कों को, पट्टों को, परमाणुओं को, जो सारे मेरे संग्रहालय में आज भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुमूल्य निधि होगी। इस आज मेरे इस संग्रहालय के अंदर सारे विश्व के लोग आते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, शोधार्थी आते हैं, विद्यार्थी आते हैं। मेरे को ईश्वर ने सब विद्याएँ दी है, मैं गा सकता हूँ, मैं नृत्य कर सकता हूँ, मैं पांडुलिपि पढ़ सकता हूँ, मैं निंगल में बोल सकता हूँ, मैं लोक नाट्यकार भी हूँ, गीतकार भी हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ता हूँ, इतिहासकार भी हूँ, और मेरे को मेरी धरती से प्रेम है और मेरा जन्म मेरी धरती की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ। अभी जो मेरी नई एक पुस्तक आएगी जो विश्व के इतिहास को प्रभावित कर रहेगी, क्योंकि जो आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस इतिहास में क्या भ्रांतियाँ रह गई है, क्यों रह गई है, उन सारे प्रश्नों का, क्योंकि वो पुस्तक हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख सभी के लिए
महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सबको ये जानने का हक है कि हम कहाँ से निकले, हमारे पूर्वज कहाँ के थे, कहाँ गए और किस जगह पर थे, हमारी संस्था क्या नाम है, उसकी जानकारी लेने के लिए आज सारे लोग वहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनका भावनात्मक संबंध है यहाँ से। जब भाटिका संगठन का यहाँ अवकाश हुआ था, तब यहाँ के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शालिबान राजा के समय सारे लोग थे, तो आज कर्नाटका में, केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह यहाँ की जैसलमेर के लोग आपको बसे हुए मिलेंगे। तो जो लोग आते हैं मेरे संग्रहालय के अंदर, वो अपने आप में प्रश्न हो जाते हैं, यहाँ की जितनी इतिहास समृद्ध है उतनी यहाँ की लोक कलाएँ प्रसिद्ध हैं, यहाँ के लोक वाद्य पसंद है, और लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये इतना लोक कला का क्षेत्र कैसे इस क्षेत्र के अंदर पनपा। उसका कारण ये रहा है कि हमारे क्षेत्र में सिंध हिंद का क्षेत्र, जो सिंध क्षेत्र रहता था, वहाँ पर आज लोग हम कहते हैं गणिकाओं को, ये गणिकाएँ कौन थी, ये मांगणियार कौन थे, ये लंगा कौन थे, इनको वाद्य को बजाने वाले कौन थे। स्त्रियों का एक बहुत बड़ा राज्य था करोड़ के पास, जिसको आज हम हैदराबाद कहते हैं, वहाँ पर बड़ा आलमखाना था, जहाँ संगीत का बड़ा केंद्र था, और उस संगीत के केंद्र के लोग जो पहले नाथों के अंदर जो शिष्य थे, तांत्रिक हो गए थे, और तांत्रिकों के बाद जब उन कलाकारों को हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया, जो स्त्रियों को पतित कह के गाने लगा, तब वो स्थिति उनको गणिका पात्र के नाम से इस क्षेत्र में जाने जाने लगी। अच्छी गायिकाएँ मांड प्रदेश कुछ क्षेत्र के पास उस मांडव क्षेत्र था जहाँ पर वो रहती थी, इसलिए मांड राग एक विशेष रूप से यहाँ पर प्रचलित हुई, जो जिसके अंदर दर्द भी है, खुशी भी है, प्रसन्नता भी है, स्वागत भी है, और लोगों को संदेश भी है। इस तरह के गीत और संगीतों का यहाँ क्षेत्र रहा है, जिसके अंदर कई लोग कलाकार यहाँ से बाहर गए, जो जिप्सी नाम से पुकारने लगे विदेशों में, और यहाँ से जैसलमेर वापस आए, किसी ने रोम के नाम पर डोम शब्द लगा दिया, कोई मांगणियार जो थे वो गंधर्वों के वंशज है, माँ गंधन से मांगण हो गए। इस प्रकार हमारी संस्कृति, कला और साहित्य के जो अच्छे गायक थे उनके बारे में लोग भूल गए। उन सारी कथाओं को मैं अपनी सब प्रमाण अपनी पुस्तकों के अंदर उसको समावेश करूँगा, ताकि आने वाले पाठक उसको पढ़ सके, सब प्रमाणित करूँगा कि आज हमारा जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के घटनाएं आपस में क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे देश में आज़ाद होने के बाद भी आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस इतिहास के अंदर क्यों गलतियाँ रही, क्योंकि हमारे देश में जो पहले सम्मत चलते थे वो पहला प्राचीन सम्मत था युधिष्ठिर सम्मत। युधिष्ठिर सम्मत के बाद हमारे देश में कई वंशों के हर्ष सम्मत, गुप्त सम्मत, कई सम्मत चले, लेकिन जब हमारे देश में मुगलों का और अंग्रेज़ों का राज रहा तो उन्होंने हमारे सम्मतों को परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने से हमारी सारा इतिहास विकृत हो गया। आज हम उसको अगर पढ़ते हैं तो हम मुस्लिम साहित्यकार को पढ़ते हैं, फरिश्ता लिखता है कि अकबर का जन्म हिजरी सम्मत 949 में हुआ, और जब 949 में हम हिजरी सन 622 को जोड़ते हैं तो आता है 1571। जब 1571 में उसका जन्म हुआ तो 1556 में वो दिल्ली का शासक कैसे बना, ये प्रश्नों का उत्तर आने वाली पीढ़ियां स्वयं उसमें देखेगी, और क्या उसमें गलत है, क्या है उसकी, उसका ज्ञान खुल करेंगे, क्योंकि हल्दी घाटी का इतिहास नहीं मिलेगा, जोधपुर की स्थापना का नहीं मिलेगा, जैसलमेर की स्थापना का नहीं मिलता है। जैसलमेर की स्थापना 1212 में हुई, लेकिन इतिहासकारों ने उसके अंदर 22 वर्ष भाटी के अंतर को जोड़कर 1234 में 56 घटाकर 1178 कर दी, जबकि वही गजेटियर में जो गवर्नमेंट के गजेटियर उसमें लिखा हुआ है 1178 में जब मोहम्मद गोरी ने अलीनगर पाटन चालुक्यों पर आक्रमण किया, तब यहाँ पर राजा जैसे भोज राज कर रहे थे, तो जो भोज का 1178 राज था तो 1156 में जैसलमेर की स्थापना कैसे हुई, 1178 में कैसे हुई, इन सारे प्रश्नों का उत्तर क्यों हुआ, क्यों घटा घट बद हुई, सारे इतिहास को इस के माध्यम से मैं उसको उजागर करूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको समझ सके।
यहाँ के सारे कलाओं को, यहाँ के संगीत को मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ के एक एक पत्थर के अभिलेखों को मैंने लिखा है, यहाँ के सिक्कों को इकट्ठा किया है, यहाँ के पट्टे परमाणुओं को इकट्ठा किया है, यहाँ की भाषा को आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कहता हूँ कि राजस्थान के निर्माण में मारवाड़ के राजाओं की बहुत बड़ी भूल रही है। अगर मारवाड़ का राज अलग बनता, पूर्वी राजस्थान मस्ती वो अलग रहते, तो मारवाड़ की भाषा, इतिहास, कला, संस्कृति, जनजीवन आज अवन होता। आज हमारे बच्चे पांडुलिपियों में नहीं पढ़ सकते, उनको कहते हैं दादा 134 लिखो बेटा, तो दादा 136 क्या होता है, तब उनको लिखते हैं 134, तो 134 अंग्रेजी में लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा को जानना आवश्यक है, लेकिन भाषा के साथ साथ हमारे को उसकी जानकारी अपने क्षेत्र की भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे सारी किताबें पट्टे परमाणे सारे उसमें लिखे हुए। शर्मा जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारे श्रोता आपकी बातों को सुनकर के थोड़े से गंभीर हो गए कि कितना संघर्ष किया आज़ादी के समय से लेकर, एक अध्यापक जिसकी तनख्वाह 100 रुपया हुआ करती थी, उसने इतना जो विशाल और हमारा सांस्कृतिक धरोहर को किस प्रकार से इकट्ठा किया, तो जब आप एक अध्यापक होकर के जब ये एकत्रित करते थे तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती थी, क्या सोचते थे लोग कि ये हमारे जो शिक्षक हैं किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनकी प्रतिक्रिया कुछ पॉजिटिव उनको आपको प्रेरणा देती थी या निराश करती, थोड़ा वो बताइए। लोग समझते नहीं थे, मेरी पत्नी भी नहीं समझती थी, दूसरा दूर रहा, वह चमड़े की चीज़ें सारंगी वगैरह ला करके घर में रखता था तो वो बाहर फेंक देती कि मेरे घर में चमड़े की चीज़ों की इसी क्यों लाए, क्योंकि उनको समझ नहीं थी कि यार वो लोग बहुमूल्य चीज़ों को विदेशों को भेज रहे थे। मेरा उद्देश्य ये था कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कैसे हो, इस दृष्टिकोण को लेकर के मैंने कोई क्या प्रतिक्रिया करता है कोई क्या नहीं करता, क्योंकि दो लोग उसको समझते नहीं थे कि संस्कृति के संरक्षण का मतलब क्या है। वो तो केवल मात्र गाइड करके, जब गाइड के बाद 1979-80 के बाद जब पर्यटन का विकास हुआ तो गाइडों की एक श्रृंखला पैदा हो गई, तो वो लोगों का उद्देश्य केवल मात्र कमीशन तक रह गया, तो वो कला और संस्कृति के इतिहास से अनभिज्ञ हो गए और हमारी चीज़ें विदेशों में जाने लग गई, बिकने लग गई और टूटने लग गई, लोग उसको नहीं, मेरा उद्देश्य मात्र ये था। तो उसमें मैं गाइड करता, बहुत मेहनत करता, रात को सर्दी में मेरे को किताबें होटल होटल टूस बंगलों में जाके बेचनी पड़ती थी, और उसके बाद में लोक कलाकारों को लोगों से संपर्क कर लिए, बर्तन बेचने वाली औरतें हैं उनको कह के रखता था कोई ये चीज़ें जो हमारे को दिलाओ। बड़ी कठिनाई से मैंने उन चीज़ों को संग्रह किया और संग्रह करने के बाद तालाब के किनारे 1983 में मैंने संग्रहालय की स्थापना की जिसका नाम था लोक सांस्कृतिक संग्रहालय। वो संग्रहालय मेरी समाज की जगह थी, 30 रुपये महीने में मैंने उस जगह को किराए पर लिया था। उस जगह को किराए लेने के बाद हमारे समाज के भी लोग कई मेरे से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने ईर्ष्या के बाद उसको छोड़ाने के लिए जगह के लिए मेरे पर मुकदमा कर दिया और ये मुकदमे आज 22 वर्ष तक लगातार चलते रहे। कैसा मैंने कठिन जीवन दिखा, कैसी उपेक्षाएँ लोगों की देखी, कैसी मेरी स्मृतियाँ रही, कैसी अनुभूतियाँ रही, वो भी मैं अपनी किताब में लिखूँगा। बाबूजी धीरे चलना, दादाजी धीरे चलना, जरा संभल के, बड़े धोखे हैं इस राह में, उसके अंदर अपनी अनुभूतियाँ और स्मृतियों की मैं उससे समावेश करूँगा। लेकिन मेरा लक्ष्य था हमारी संस्कृति को रखना, तो उसके लिए बहुत सबसे पहले महत्व ये था कि हम उसके इतिहास को जानें कि वो कितनी पुरानी है, कितना उसका महत्व है, कौन से इसको बनाया, कैसे इसको बनाया जाता है, तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए मेरे को पुस्तकें लिखनी पड़ी और मैंने लगभग आज तक 40 पुस्तकें लिखी है, लगभग 1000 गीतों का संग्रह किया है, लगभग 300 घंटों का गीत रिकॉर्ड करके रखा है, कई हजारों सैकड़ों स्लाइडें इकट्ठी की है, कई फोटोग्राफ इकट्ठे किए, कई अभिलेखों की पुस्तकें तैयार की है, पट्टे परवाने स्टाम्प टिकटें सारी चीज़ों का मैंने संग्रह किया है, पांडुलिपियाँ
आज वो सारी संग्रह किए, वो आज आने वाले देश की पीढ़ियों की धरोहर हो गई। अब मैं किसी से क्या आशा रखूं कि कोई मुझे पुरस्कार दे या मेरे को सम्मान दे, नहीं तो नहीं पुरस्कार, क्योंकि मेरे साथ जीने वाले लोग तो सब चले गए, अब मेरी नई पीढ़ी कौन खुश होने वाला है। मैं तो मेरे को पुरस्कार की जरूरत है, नहीं सम्मान की जरूरत है। मैं तो अपने देश के लिए सेवा की भावना से कार्य कर रहा हूँ, और जब तक जीवन है, आज मेरी उम्र 85 वर्ष की है। लोग फॉरेन में पूछते हैं, मिस्टर शर्मा हाउ मेनी ईयर्स यू, देन आई टेल देम आई एम 85 ईयर्स यंग, मैं 85 वर्ष का जवान हूँ। क्योंकि जब आदमी को प्रेरणा रहती है, मैं पूरा दिन कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ तभी चलता रहता है। अगर मैं घर जा कर बैठ जाऊँ तो फिर मैं जकड़ जाऊँगा। अभी भी मैं निरंतर काम करता हूँ, और यहाँ की कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के जो लोक कलाकार थे, पपेटर कठपुतली कलाकार, तो रहने वाले नागौर भाट के हैं, भाट लोग कहलाते हैं, उनके कुछ पूर्वज यहाँ पर मेरे पास आए कि शर्मा जी हम यहाँ आपके संग्रहालय में कठपुतली का खेल दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं तुमको दूँ। तो कहा कठपुतली हम बेचेंगे और हमारी जो आमदनी होगी वो हम लेंगे, आप 10 रुपया टिकट कर दो, जो से आप लाइट पानी का खर्चा चलाना। तो बात मैंने उनको मान ली और चालू करा ली। तो वो 10 रुपये की टिकट से मैंने चालू किया, आज 100 रुपया उसकी टिकट है, और वो 15 कलाकार यहाँ से लाभान्वित होते हैं। वो अपनी कठपुतली बनाते हैं, उसको बेचते हैं, और रोज़ यहाँ 6:30 और 7:30 बजे यहाँ पर कार्यक्रम देते हैं, जिसको देश विदेश के लोग भारतीय कलाओं को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर लाइट एंड साउंड गड़ीसर पर चलता है, उसको छोड़ कर के लोग हमारी पारंपरिक लोक कलाओं को देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं, और इतिहासकार, शोधकार, फिल्मकार, चित्रकार, कई लोग शोधार्थी यहाँ पर आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। यही मेरी प्रसन्नता है कि मैंने जो कार्य किया है वो परमपिता परमेश्वर ने मेरे को निमित्त बनाकर मेरे हाथ से जो कार्य कराया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद हो और लोग उसको आगे बढ़ाएं। तो मेरे से छूट गई है या मेरे से कोई कमी रह गई है या मेरे से कोई भूल रह गई है, उसको लोग आगे सुधारें, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी, अंतिम एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए आपने पूरा जीवन इस भारतीय संस्कृति के संरक्षण में लगा दिया, आज आप अपने इस कार्य से कितने संतुष्ट हैं? मेरे को क्या संतुष्टि मिलती है, सारे विश्व के लोग मेरे पास खड़ा होकर के चित्र खिंचाते हैं, और वो लोग अपने आप को बच्चे छोटे छोटे ऐसे आके प्रश्न पूछते हैं कि दादा आपने गांधी जी को देखा था, दादा आपने आज़ादी के टाइम देखा था, कई महिलाएं, कई पुरुष उसको खुलते हैं और वो मेरे साथ चित्र खींचा करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। मैं कोई फिल्म कलाकार या मैं कोई बड़ा कोई नेता या कोई वो नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण शिक्षक हूँ, लेकिन उनके हृदय के अंदर जो प्यार है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर कॉमेंट्री करता हूँ वो हर कॉमेंट्री अंदर कठपुतली कला के महत्व को मैं यहाँ समझाता हूँ, जिसके अंदर जैसे बंगाल का जादूगर आता है, तो उस बंगाल जादूगर अपने शरीर को 3 भागों में विभाजित करता है, वो 3 भागों में विभाजित का ये संदेश है कि हमारा शरीर 3 भागों में विभाजित है और हमारी जीवन की अवस्थाएं 3 भागों में है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसी तरह हमारा कर्म है वो भी 3 भागों में चाहते हैं, आत्मा 3 भागों में बांटते हैं, कभी हम बैठे बैठे खुश हो जाते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी गाने लगते हैं, वो आत्मा का क्या उतार चढ़ाव होता है, उस आध्यात्मिक भाव को मैं बताता हूँ कि आदमी के अंदर स्त्री के और पुरुष के अंदर आत्मा एक होती है, वो अगले जन्म में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री बन सकते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं कठपुतली के माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि पहले ज़माने में लोगों का एक यहाँ जो संस्कृति बन भी थी उसका मुख्य उद्देश्य था भाईचारा। इस भाईचारे से यहाँ के राजाओं का नाम भाटी रखा गया है। भाटी का मतलब होता है भाटी, जो भात के अंदर अपना हिस्सा रखने वाले जो लोग होते हैं उससे उनका नाम भाटी हुआ है। और इस भाटी का राज्य में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे, बुद्ध भी थे, इसलिए ये क्षेत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य था। और वहाँ पर जो भाटी का संस्कृति पनपी थी वो आज भी जैसलमेर में अभी तक देखने को मिलेगी, लेकिन अब वो अंतिम शासनों के अंदर जड़ रही है। आने वाले 5-10 वर्षों में
कोई उसको बताने वाला या समझने वाला नहीं रहेगा। और ये जो है भगवान की कृपा कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको सारी को तीन भागों में किताबों को प्रकाशित करूंगा बहुत जल्दी। एक का नाम होगा त्रिवेणी, दूसरे का नाम होगा त्रिविक्रम, तीसरे का नाम होगा त्रिशंकु। ये तीनों पुस्तकें मैं उसमें प्रकाशित करूंगा, जिसमें हमारा इतिहास भी होगा, कला भी होगी, संस्कृति भी होगी, दर्शनीय स्थान भी होंगे, संगीत के होंगे, समाज का जीवन के उतार चढ़ाव होंगे, बदलाव होंगे, देश की आज़ादी के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया है, किस चीज़ें, वो सारी चीज़ों का उसमें विवेचन होगा, जो आने वाली पीढ़ियाँ उससे लाभान्वित होगी। यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि लोग अधिक से अधिक उस किताब को पढ़े, ये मेरे लिए पद्मश्री से बड़ा पुरस्कार होगा।